पिछले एक महीने से गंज गुरुद्वारे के पास में हमारा मकान है, नाले को तोड़ने के बहाने से इन्होंने पूरी व्यवस्था ख़राब कर रखी थी। घर में चार जने हमारे इस समय बीमार चल रहे हैं, मैं खुद भी हार्ट पेशेंट हूँ, मम्मी पापा दो बच्चे। कल भी प्रशांत साहब को दिखाया, अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम को फ़ोन किया था, वो लोग आके निरीक्षण करके देख कर गए। उनका कहना है कि भाई आपके घर इन्फेक्शन फैल रहा है, पेट में तकलीफ़ हो रही है, पानी भी साफ़ नहीं आ पा रहा है इस कारण से। ये नाले की व्यवस्था भी आपने देखी है, पूरा नाला खुला पड़ा, एक महीना हो गया। अब इन्होंने कह दिया है कि भाई हमें तो अभी कम से कम 15-20 दिन और लगेंगे, तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा। डॉक्टर साहब और सब जने कह कर गए हैं कि भाई मास्क लगा के और शुद्ध जल गर्म पानी करके और अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। एक ही परिवार को रही है, और भी के दुकानदार, सारे दुकानदार, पूरा रास्ता बंद पड़ा। आप आगे देखिए, पूरा बाजार ही बंद पड़ा, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, और कोई बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, गिनती के चार या पांच आदमी लगा रखे हैं। नगर निगम गए थे? नगर निगम भी गए थे। क्या बोले? नगर निगम वाले कह रहे हैं कि व्यवस्था करवा रहे हैं। आपका नाम? दिलप्रीत सिंह। गंज गुरुद्वारे में के पास वाला मकान है हमारा, वहाँ रहते हैं। रास्ता बंद कर दिया है, कल भी इन्होंने छुट्टी कर ली अपनी, और कारीगर कह रहे हैं कि हमने कहीं और काम किया है, हमारे को यहाँ पे बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया, हमारे बिल्कुल ना तो कोई कस्टमर आ पा रहा है, और दुनिया भर की गंदगी आप यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो सकता। तो उसको जल्द से जल्द आप काम करवाएं, थोड़ा सा हमारे को परेशान दिक्कत आ रही है। हमारे परेशानी उठा रहे हो सर, ये महीना भर हो गया सर ये। तो आप नगर निगम? सर नगर निगम जाकर आए, वो कह रहे हैं व्यवस्था करा रहे हैं। व्यवस्था क्या करा रहे हैं, कारीगर 15 आते थे, अब 5 आते हैं। कितने को बीमारियाँ भी होती हैं सर, बिल्कुल हमारे पड़ोसी बिल्कुल परेशान हो रखे हैं, उनके घर के 4 पेशेंट हो रखे हैं उसमें। यहाँ पे गिरा देखो ना, कोई रास्ता देखो, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा, ना इनकी दुकान पे गिरा के, ना इनकी दुकान पे गिरा के, बिल्कुल मेन रोड का रोड लेके बैठे हैं, कोई गिरा की नहीं हमारी दुकान पे। और यहाँ गाड़ी में गुरुद्वारा भी है कोई? बिल्कुल गुरुद्वारा है, लोग आ ही नहीं पा रहे, गुरुद्वारे में रास्ता ही बंद है, गुरुद्वारे के बाहर की सीढ़ी बंद है। कौन सी जगह है? गंज गुरुद्वारा। आपका नाम? जसदीप सिंह दुआ।